Before starting the video, I would like to tell you something about ipsguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of the each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ipsguide.com. Now let's move toward our video. Hello friends, welcome to IPS Guide. Today we will solve a puzzle which is based on linear arrangement, and this type of puzzle is very helpful for SBI PO 2019 as well as other bank exams also. And for more quality mock, visit www.ipsguide.com. Let's see the puzzle. Ye raha puzzle based on linear arrangement. This is the continuation of the puzzle and the last slide of the puzzle. So friends, I request you all to pause the video and try it by yourself first. Aayi dekhte instruction part mein kya likha hua hai. 8 persons from 3 different generations of a family A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in a row. Yahan pe kya bola gaya hai? 8 persons hai jo 3 different जेनरेशन से बिलोंग करते हैं और एक ही फैमिली से यहाँ पे बिलोंग करते हैं और एक रो में बैठते हैं. क्लियर? सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड अदर्स आर फेसिंग साउथ. यहाँ पे क्या बनाया गया है कि कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देखते हैं, कुछ लोग साउथ की तरफ देखते हैं. क्लियर? नॉट मोर देन टू पीपल फेसिंग सेम डायरेक्शन आर सिटिंग टूगेदर. यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो से ज्यादा पर्सन एक ही डायरेक्शन फेस करते हैं, वो लोग एक साथ नहीं बैठ सकते. देयर आर थ्री मैरिड कपल. यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे तीन मैरिड कपल्स है. क्लियर? दे वेर बॉर्न ऑन द सेम डे ऑफ द सेम मंथ ऑफ डिफरेंट ईयर्स, दैट इज 2001, 1983, 1985, 1953, 1957, 1982, 1987 and 2005, but not necessarily in the same order. यहाँ पे क्या बोला गया है? ये 8 person born करते हैं same day में, same month में, but different year में born करते हैं. Clear? Their ages are considered as on the same month and day of 2017 as their date of birth. यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन आठो पर्सन का जो हम लोग एजेस फाइंड करेंगे, वो करेंट एज जो होगा वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 2017 माइनस इन सारे इयर्स का. तो हमें यहाँ पे करेंट एज पता चल जाएगा इन आठो पर्सन का. क्लियर? द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन टू पीपल इज अ सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 12. यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 12 होना चाहिए. एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और यहाँ पे जो डिस्टेंस है जो कि सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 12 है वो इंक्रीज होना चाहिए कहां से, लेफ्ट टू राइट. क्लियर? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एजेस फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पे 2017 माइनस 2001 करेंगे तो कितना आएगा, 16. 2017 माइनस 1983 कितना आएगा, 34. 2017 माइनस 1985, 32. 2017 माइनस 1953, 64. 2017 माइनस 1957, 60. 2017 माइनस 1982, 35. 2017 माइनस 1987 कितना आएगा, 30. And 2017
माइनस 2005 12 years, ठीक है. तो यहाँ पे हमें 8% का यहाँ पे एजेस हमें पता चल गया. ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या. ई इज द डॉटर ऑफ सी. ई क्या है, डॉटर है किसके, सी के. तो सी हो सकता है मेल हो या तो फीमेल हो, और यहाँ पे ई क्या है, डॉटर है, तो नेगेटिव होगा. ये फिर यहाँ पे क्या बोला, ए इज द सिस्टर ऑफ एफ. ए इज द सिस्टर मीन्स नेगेटिव होगा. एफ यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो. ये अब यहाँ पे क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन इमीडिएट नेबर्स ऑफ एनी टू पीपल शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 144 मीटर एंड लेस देन 48 मीटर. सो फ्रेंड्स, हम लोग ने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, जो कि इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट, वो सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 12 होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि लेस देन 48 नहीं होना चाहिए और 144 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि 48 और 144 के बीच में जो नंबर्स होंगे वही हम लोग लेंगे डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 48 और 144 के बीच में आता है. 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132 and 144. और हम लोग यहाँ पे तो 48 और 144 ले नहीं सकते क्योंकि greater than 144 और less than 48 नहीं होना चाहिए. 48 और 144 के बीच में जो numbers होंगे उन्हें हमें लेना है. और यहाँ पे कितने people है, 8 people sir. अगर रो में यहाँ पे 8 पीपल बैठे हुए हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस कितने हो जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिस्टेंस हो जा रहे हैं अगर 8 पीपल बैठते हैं रो में. तो यहाँ पे नंबर्स भी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें 7 सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 12 मिल रहे हैं और जो कि इंक्रीज भी हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो हमें यहाँ पे रो में फिक्स कर देते हैं 60, 72, 84, 96, 108, 120 and 132 जो कि डिस्टेंस है. क्लियर. सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे रो में हमें डिस्टेंस पता चल गया 60, 72, 84, 96 108, 120 and 132. और हमने यहाँ पे दो पॉइंट पढ़े क्या, कि ई क्या है, डॉटर है किसके, सी के. और यहाँ पे सी हो सकता है मेल हो या तो फीमेल हो. ये और हम लोग ने और एक पॉइंट पढ़ा कि ए क्या है, सिस्टर है किसके, एफ के. और यहाँ पे एफ हो सकता है मेल हो या तो फीमेल हो. ये और हम लोग ने यहाँ पे डिस्टेंस 48 और 144 के बीच वाले नंबर्स को हम लोग ने लिए. क्लियर. तो यहाँ पे लिखा है कि डी इज 2 इयर्स एल्डर देन हर सिस्टर इन लॉ. यहाँ पे हर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, डी क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, फीमेल है. क्लियर. और यहाँ पे क्या बोला गया है कि डी क्या है, बड़ी है 2 साल किससे, डी सिस्टर इन लॉ से. क्लियर. और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए इज 312 मीटर अवे फ्रॉम एफ, हु इज थर्ड एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली. यहाँ पे हु किसके लिए बोला गया है, एफ के लिए बोला गया है. क्या बोला गया है कि एफ क्या है, थर्ड एल्डेस्ट पर्सन है. और क्या बोला गया है, ए और एफ का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, 312 मीटर होना चाहिए. क्लियर. सो फ्रेंड्स, हम लोग ने पढ़ा कि डी क्या है, 2 साल बड़ी है किससे,
डीज सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पे हो सकता है डी का कोई भाई हो और उसकी वाइफ यहाँ पे क्या हो जाएगी, डीज सिस्टर इन लॉ हो जाएगी. हो सकता है डीज के हस्बैंड के कोई सिस्टर हो, वो क्या हो जाएंगे, डीज सिस्टर इन लॉ हो जाएंगे. क्लियर? फिर यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा कि ए और एफ का यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 312 मीटर है, और एफ क्या है यहाँ पे, थर्ड एल्डेस्ट है. क्लियर? तो यहाँ पे एफ बॉन्ड कौन से ईयर में किया था, 1982. जो कि थर्ड एल्डेस्ट हो रहा है. फर्स्ट एल्डेस्ट क्या हो रहा है, 1953, जिसका एज क्या है, 64 है. सेकेंड एल्डेस्ट 1957, जिसका एज क्या है, 60 है. और थर्ड एल्डेस्ट क्या हो रहा है, 1982, जिसका एज क्या है, 35 है. तो यहाँ पे हम लोग एफ लिख देते हैं. क्लियर? अब यहाँ पे 312 कैसे आएगा, 60 प्लस 72 प्लस 84 प्लस 96. ठीक, तो यहाँ पे हो सकता है ए हो या तो एफ हो सकता है यहाँ पे ए हो या तो एफ हो. क्लियर? फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एच फेसेस नॉर्थ एंड सिट हर टू द राइट ऑफ हर सन इन लॉ. यहाँ पे क्या बोला गया है कि एच फेस करता है नॉर्थ और एच बैठा हुआ है थर्ड पोजीशन में, किसके, एच के सन इन लॉ, सन इन लॉ के राइट में थर्ड पोजीशन में एच बैठा हुआ है. और यहाँ पे एच का जेंडर क्या हो रहा है, यहाँ पे हर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, एच का जेंडर यहाँ पे क्या हो गया, फीमेल हो गया. क्लियर? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पॉइंट लिख लिया कि एच के सन इन लॉ के राइट में थर्ड पोजीशन में एच बैठेगा और एच यहाँ पे जेंडर क्या हो जा रहा है, फीमेल, और एच फेस कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में. क्लियर? फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सन सीट एट द टू एक्सट्रीम एंड्स फेस सेम डायरेक्शन. यहाँ पे क्या बोला गया है, जो पर्सन एंड्स पे बैठेंगे उन लोग का जो डायरेक्शन होगा सेम होना चाहिए. क्लियर? फिर यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एज इज टू लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ बी. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जितने लोग बी के राइट में बैठे हैं और जितने लोग एज के लेफ्ट में बैठे होंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, बी हु इज नॉट अ मैरिड पर्सन सिट्स 288 मीटर अवे फ्रॉम द एल्डेस्ट पर्सन. यहाँ पे क्या बोला गया है, हु किसके लिए बोला गया है, बी के लिए बोला गया है. क्या बोला गया है कि बी क्या है, अनमैरिड पर्सन है, और बी और जो एल्डेस्ट पर्सन है इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, 288 मीटर होना चाहिए. क्लियर? सो फ्रेंड्स, हम लोग ने पढ़ा कि एंड में जो पर्सन बैठेंगे उन लोग का यहाँ पर डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए. और हम लोग ने पढ़ा कि बी के राइट में जितने भी पर्सन होंगे और एच के लेफ्ट में जितने भी पर्सन होंगे, उन दोनों का जो यहाँ पर डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए. क्लियर? और हम लोग ने यही भी पढ़ा कि बी और जो एल्डेस्ट पर्सन होंगे उन दोनों का जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, 288 मीटर होना चाहिए. तो यहाँ पे 288 मीटर कैसे आ सकते हैं, 84 प्लस 96 प्लस 108 करेंगे तो 288 आएगा. क्लियर? सो फ्रेंड्स, हो सकता है बी यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे एल्डेस्ट पर्सन हो सकता है बी यहाँ पे हो सकता है एल्डेस्ट पर्सन यहाँ पे हो. क्लियर? एल्डेस्ट पर्सन यहाँ पे कौन हो जा रहा है,
जिसका बॉर्न ईयर क्या है 1953 है, जिसका एज क्या है 64 है, तो ये क्या हो जाएगा एल्डेस्ट पर्सन। क्लियर। फिर यहाँ पे बोला गया ओनली वन पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एज सन इन लॉ। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एज के सन इन लॉ के लेफ्ट में बस एक ही पर्सन यहाँ पे बैठता है। और यहाँ पे बोला गया है कि डी इज वाइफ ऑफ एफ एंड मदर ऑफ बी। क्लियर। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने पढ़ा कि एच के सन इन लॉ के लेफ्ट में बस एक ही पर्सन बैठता है, और हम लोग ने पढ़ा कि डी क्या है वाइफ है एफ के, और डी मदर है बी के। तो यहाँ पे बी हो सकता है फीमेल हो या तो मेल हो। क्लियर। हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि एच सन इन लॉ के राइट में थर्ड पोजीशन में एच बैठेगा। एच यहाँ पे क्या है फीमेल जेंडर है और एच नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे देखते हैं। क्लियर। तो हो सकता है एच के सन इन लॉ यहाँ पे बैठे, हो सकता है एच के सन इन लॉ यहाँ पे बैठे, और एच के सन इन लॉ अगर यहाँ पे बैठते हैं तो नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे, और नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो इसके लेफ्ट में एक ही पर्सन यहाँ पे बैठते हैं। एच के सन इन लॉ अगर यहाँ पे बैठते हैं तो ये साउथ की तरफ फेस करेंगे, साउथ की तरफ फेस कर लेफ्ट साइड हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में बस एक ही पर्सन यहाँ पे बैठते हैं। क्लियर। अगर एच के सन इन लॉ इस पोजीशन में बैठते हैं तो एच के राइट में थर्ड पोजीशन में एच बैठते हैं। 1 2 3 यहाँ पे कौन होना चाहिए, एच होना चाहिए, पर यहाँ पे हम लोग ने पहले से अलॉट किया है कि यहाँ पे ए होगा या तो एफ होगा, एच होगा नहीं। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, एच के सन इन लॉ इस पोजीशन में नहीं बैठेंगे, इस पोजीशन में बैठेंगे। अगर इस पोजीशन में बैठेंगे तो एच के सन इन लॉ साउथ की डायरेक्शन फेस कर रहे, तो राइट साइड ये होगा 1 2 3 यहाँ पे कौन बैठेगा, एच बैठेगा, और एच कौन से डायरेक्शन यहाँ पे फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और एच का यहाँ पे जेंडर क्या है नेगेटिव है। क्लियर। अब फ्रेंड्स हम लोग ये वाला कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि बी के राइट में जितने भी पर्सन होंगे और एच के लेफ्ट में जितने भी पर्सन होंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ने एच को तो फिक्स कर दिया है, तो एच नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट ये हो गया 1 2 3 तीन पर्सन बैठे हुए हैं एच के लेफ्ट में। तो बी के राइट में कितने पर्सन बैठे होंगे, 5। तो यहां पे हमें कोई फिक्स नहीं मिला है कि बी हो सकते है यहां पे हो सकता है बी यहां पे हो। अगर बी इस पोजीशन में है तो ये साउथ फेस करेगा, तभी यहां पे राइट होगा, और राइट में 1 2 3 4 5 होगा। बी हो सकता है यहाँ पे बैठे, ये नॉर्थ फेस करे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करे, इसलिए हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि बी इस पोजीशन में बैठेगा या तो इस पोजीशन में बैठेगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमें दो पॉसिबिलिटी मिल रहे हैं बी के। फ्रेंड्स अब यहाँ पे ये कंडीशन और इस कंडीशन को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एफ क्या है मेल है, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए क्या है सिस्टर है किसके, एफ के। तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एफ क्या है ब्रदर है किसके, ए के, और ए यहाँ पे क्या है फीमेल है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जी हैज टू चिल्ड्रन एंड जी इज मैरिड टू एच, और यहाँ पे बोला गया है कि ए फेसेस साउथ डायरेक्शन एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में सेकंड पोजीशन में ए बैठता है और ए फेस करता है साउथ डायरेक्शन। क्लियर। और यहाँ पे बोला गया है कि ई वॉज बॉर्न इन 2005 एंड सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ई बॉर्न करता है 2005 में और
किसी एक एंड में बैठते हैं. क्लियर? सो फ्रेंड्स, हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि जी के दो चिल्ड्रन हैं और जी मैरिड है एच से, और हमें यहाँ पे पता है कि एच का जेंडर यहाँ पे क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पे फीमेल हो जाएगा और जी का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा. क्लियर? और हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि एच के एक सन इन लॉ है, इसका मतलब क्या है, एच के एक डॉटर है और एक यहाँ पे चाइल्ड हो सकता है, या तो फीमेल होगी या तो सन होगा. क्लियर? और हम लोग ने और एक पॉइंट पढ़ा था कि बी के राइट में सेकंड पोजीशन में ए बैठेगा और ए का यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, साउथ होगा. क्लियर? तो अगर बी यहाँ पे बैठता है तो बी के राइट में अगर ये साउथ देख रहा है तो बी का राइट ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बैठ सकता है. क्लियर? अगर बी अगर यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन देखता है तो बी का राइट ये हो जाएगा, तो और यहाँ पे ए बैठेगा. क्लियर? अगर इस पोजीशन में अगर बी बैठता है तो बी का राइट में यहाँ पे ए होना चाहिए, पर यहाँ पे तो ए हो नहीं सकता है. अगर साउथ देखता है तो बी का राइट ये होगा, तो ए कहाँ पे होना चाहिए, इस पोजीशन में ए होना चाहिए, पर इस पोजीशन में एच बैठा हो. इसका मतलब क्या है, इस पोजीशन में बी होगा नहीं, एल्डेस्ट पर्सन होंगे और इस पोजीशन में बी ही बैठेगा. ठीक है? और यहाँ पे ए हो सकता है इस पोजीशन में हो सकता है इस पोजीशन में हो. ठीक है? अब फ्रेंड्स, हम लोग ये वाला कंडीशन देख लेते हैं. यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा कि बी के राइट में जितने भी पर्सन होंगे और एच के लेफ्ट में जितने भी पर्सन होंगे, उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे दो होना चाहिए. यहाँ पे हम लोग ने एच को तो फिक्स कर लिया है, एच के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 1, 2, 3, तो बी के राइट में कितने लोग होने चाहिए, 5 लोग होने चाहिए. तो इस केस में बी के राइट में कितने लोग हो रहे हैं, 2 ही लोग हो रहे हैं. इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई, रॉन्ग हो गई. क्लियर? और इस पॉसिबिलिटी में बी के राइट में कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लोग हो रहे हैं, और एच के लेफ्ट में 3 लोग हो रहे हैं, 1, 2, 3, 3 लोग हो रहे हैं, और डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. क्लियर? और यहाँ पे बी के राइट में सेकंड पोजीशन में ए बैठेगा, बी के राइट में सेकंड पोजीशन में ए बैठेगा और ए साउथ फेस कर रहे हैं. क्लियर? और एक हम लोग ने कंडीशन पढ़ा कि ई बॉर्न किया है कौन से ईयर में, 2005 में, और वो एंड में बैठेगा. तो इस एंड में तो एफ बैठा हुआ है और दूसरे एंड में यहाँ पे ई बैठेगा. क्लियर? और ई 2005 में बॉर्न किया. क्लियर? और यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि ए क्या है, सिस्टर है किसके, एफ के, तो यहाँ पे ए का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा. क्लियर? फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एच डॉटर इन लॉ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड बी. यहाँ पे क्या बोला गया है, एफ एंड बी का जो इमीडिएट नेबर है वो कौन होना चाहिए, एच के डॉटर इन लॉ. और यहाँ पे क्या बोला गया, जी और सी आर इमीडिएट नेबर्स. क्लियर? फ्रेंड्स, हम लोग ने पढ़ा कि यहाँ पे जी के दो चिल्ड्रन हैं. एक हम लोग ने पढ़ा कि एच के सन इन लॉ है, इसका मतलब क्या है, उनके एक डॉटर है. एक हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि एच के डॉटर इन लॉ भी है, इसका मतलब क्या है, एच के सन भी है, तभी यहाँ पे डॉटर इन लॉ होंगे. और यहाँ पे एक सन इन लॉ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक डॉटर भी है. इसका मतलब क्या है, एच के एक सन है और एक डॉटर है. क्लियर? और यहाँ पे एच के डॉटर इन लॉ कहाँ बैठेंगे, एफ और बी के इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पे बीच में बैठेगा एच के डॉटर इन लॉ. क्लियर? अब हम लोग ने ये कंडीशन हम लोग फिक्स कर लेते हैं. क्या बोला गया कि जी और सी इमीडिएट नेबर है, तो जी और सी के लिए यही एक पोजिशन खाली है. जी और सी हो सकते हैं यहाँ पे हो सकते हैं जी और सी यहाँ पे हो. क्लियर? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा पर्सन होगा, यहाँ पे तो सारे फिल हो चुके हैं, यहाँ पे कौन सा पर्सन होगा, ए बी सी डी बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा.
इसका मतलब क्या है, डी क्या है, एच के डॉटर इन लॉ है, क्लियर। डी क्या है, डॉटर इन लॉ है एच के, और ए क्या है, सिस्टर है किसके, एफ के। और यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्या है, सिस्टर इन लॉ है किसके, डी के, ये वाला कंडीशन भी यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्लियर। और यहां पे हम लोग ने एक कंडीशन पढ़ा था फर्स्ट में कि ई क्या है, डॉटर है किसके, सी के, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पे हमें 8 पर्सन मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमें पता चल गया कि एल्डेस्ट पर्सन कौन है, कौन है यहाँ पे एल्डेस्ट पर्सन, जी है, तो इस पोजीशन में जी होगा और इस पोजीशन में सी होगा, और जी का यहाँ पे जेंडर क्या है, पॉजिटिव है, मेल है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, एज फादर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई एंड एज फादर इज नॉट सी, ए इज नॉट बोर्न इन 1985, immediate neighbor of D belongs to same gender, A's age is half the size of D's mother-in-law. यहाँ पे क्या बोला गया इस सेंटेंस में कि E के राइट में सेकेंड पोजिशन में A's फादर बैठेंगे और A's फादर C नहीं है, A बॉर्न नहीं करता है 1985 में, और क्या बोला गया है, इमीडिएट नेबर ऑफ डी सेम जेंडर से बिलोंग करता है, ये। अब यहां पे क्या बोला गया है कि एज का जो एज होगा वो हाफ होगा डीज मदर इन लॉ, क्लियर। फ्रेंड्स, हम लोग ने यहां पे पढ़ा कि ई के राइट में सेकंड पोजीशन में एज फादर बैठेंगे, तो एज का फादर यहां पे कौन है, जी है, और ई यहां पे एक्सट्रीम राइट हैंड में बैठा है, तो ई यहाँ पे साउथ फेस करेगा और साउथ का राइट ये हो जाएगा और साउथ का राइट में सेकंड पोजीशन में जी बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ए 1985 में बॉर्न नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी और एच क्या है, यहाँ पे फर्स्ट जेनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो एच का यहाँ पे बॉर्न ईयर क्या हो जाएगा, 1957 ही होगा, बाकी सारे ईयर्स में तो होंगे नहीं, एच एच यही पे होगा, ठीक है। अब यहां पे बोला गया है कि ए 1985 में बॉर्न नहीं किया है, और यहां पे ए और एफ क्या है, सेकेंड जेनरेशन से बिलोंग करते हैं, अगर एफ 1982 में बॉर्न किया है तो इसी के आसपास ही ए भी बॉर्न किया होगा, क्लियर। तो ए हो सकता है 1983 में बॉर्न करे, हो सकता है 1987 में बॉर्न करे, और यहां पे कंडीशन हम लोग ने पढ़ा कि डी और डीज के सिस्टर इन लॉ का जो यहाँ पर डिफरेंस होगा एज का, वो क्या होना चाहिए, 2 इयर्स होना चाहिए, क्लियर। तो यहां पे डी माइनस, यहां पे सिस्टर इन लॉ कौन है, ए है, और इन दोनों का जो एज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 इयर्स होना चाहिए। अगर ए का यहाँ पे एज क्या हो रहा है, 34 हो रहा है, तो डी का एज क्या होना चाहिए, यहाँ पे 36 होना चाहिए। तो यहाँ पे 36 है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या है, ए का यहाँ पे एज 34 नहीं होगा, 30 होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 30 लिखते हैं तो यहाँ पे डी का एज क्या हो जाएगा, 30 प्लस 2, दैट इज 32 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डी का एज क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जो वो 1985 में बॉर्न किया है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, क्लियर।
अब यहाँ पे 16 और 34 बचा हुआ है, हम लोग ने यहाँ पे E को तो हम लोग ने यहाँ पे अलॉट कर दिया जो 2005 में बॉन्ड किए, और यहाँ पे B को हम लोग को अलॉट करना है और C को अलॉट करना है इस ईयर में। तो यहाँ पे B थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है, 34 तो होगा नहीं। E अगर 12 ईयर्स है तो B भी 12 ईयर्स के आसपास ही होगा, तो इसका मतलब क्या है, B यहाँ पे हो जाएगा और C यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सारे पर्सन के बॉन्ड ईयर पता चल गए, उन लोग का एज क्या है वो भी हमें पता चल गया। अब हम लोग इस कंडीशन को भी हम लोग देख लेते हैं, एज का यहाँ पे एज क्या है, 30 है, और क्या बोला गया है कि वो क्या होना चाहिए, हाफ है किसके, डीज मदर इन लॉ, यहाँ पे डीज मदर इन लॉ कौन है, एच है, तो यहाँ पे एच का यहाँ पे एच क्या है, 60 है, तो हाफ इंटू 60 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, जो कि एज एच है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग ने एक पॉइंट पढ़ा था कि डीज के नेबर्स क्या होंगे, सेम जेंडर से बिलोंग करेंगे, तो यहाँ पे डीज के नेबर कौन कौन है, एफ है और बी है, तो एफ यहाँ पे मेल है, तो बी भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने ये पढ़ा था कि एंड्स में जो पर्सन यहाँ पे बैठेंगे वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, इसका मतलब क्या है, एफ भी यहाँ पे साउथ ही फेस करेगा, क्यों, क्योंकि ई यहाँ पे क्या फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि दो से ज्यादा लोग अगर सेम डायरेक्शन फेस करते हैं तो वो लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पे बी और एच दोनों ही नॉर्थ फेस कर रहे हैं, अगर डी अगर यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो हम लोग ने इंस्ट्रक्शन पार्ट में पढ़ा था वो रॉन्ग हो जा रही है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डी साउथ फेस करेगा। और फ्रेंड्स हम लोग ने पजल में पढ़ा था कि एच के जो सन इन लॉ है उसके राइट में थर्ड पोजीशन में एच बैठेगा, तो यहाँ पे एच के सन इन लॉ कौन है, सी है, तो सी के राइट में थर्ड पोजीशन में एच बैठा हुआ है, तो सी यहाँ पे साउथ फेस करेगा और राइट में 1 2 3 यहाँ पे एच बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जी नॉर्थ फेस करेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये साउथ फेस करेगा तो ए जी और सी यहाँ पे तीनों ही क्या हो जा रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग ने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि दो से ज्यादा लोग सेम अगर डायरेक्शन फेस करते हैं तो वो लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे जी नॉट फेस करना है, तो जी यहाँ पे नॉट फेस किया है। ठीक है, तो ये तो रहा हम लोग का फाइनल अरेंजमेंट, ये है फैमिली ट्री। ठीक है, अब हम लोग इस पजल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन वन, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ईज मदर, यहाँ पे ईज मदर कौन है, ए है, तो ए के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में कौन बैठा हुआ है, ए के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। अब हमें ये बताना है कि सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है जो कि एल्डेस्ट पर्सन है। ठीक है, इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, वन हु इज एल्डेस्ट पर्सन इन अ ग्रुप, जी क्या है यहाँ पे एल्डेस्ट पर्सन है। ठीक है, ऑप्शन बी एफ्स फादर भी है, एफ्स फादर क्या है, जी है। ऑप्शन सी, वन हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में 1 2 3, पर ये क्या है, बी के राइट में थर्ड पोजीशन में जी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग हो गई। ठीक है, और सी के इमीडिएट राइट में जी बैठा हुआ है, तो
तो ऑप्शन ई भी यहाँ पे रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, बोथ ए एंड बी. ये क्वेश्चन टू, व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ एज ग्रैंड सन एंड जीज डॉटर इन लॉ. यहाँ पे एज ग्रैंड सन कौन हो गया, एज का ग्रैंड सन बी हो गया, बी का यहाँ पे क्या है एज 16 है, और जीज डॉटर इन लॉ, जीज डॉटर इन लॉ कौन है डी है, डी का यहाँ पे क्या है एज 32. तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी 48. क्लियर. क्वेश्चन थ्री, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन बीज मदर एंड बीज कजिन. बीज कजिन यहाँ पे कौन है, ई है, ई कहाँ पे, और बीज मदर कौन है डी है. तो इन दोनों के बीच का यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, 72 प्लस 84 प्लस 96 प्लस 108 प्लस 120 प्लस 132. इन ऑप्शन में से कौन सा सही है, ऑप्शन डी 612 मीटर. क्लियर. क्वेश्चन फोर, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ सीज फाइव. यहाँ पे सीज फाइव कौन है, ए है, तो ए का यहाँ पे इमीडिएट नेबर कौन होगा, एच होगा या तो जी होगा, एच होगा या तो जी होगा. तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही है, ऑप्शन ए. क्लियर. क्वेश्चन फाइव, लास्ट क्वेश्चन, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे एंड फॉर्म अ ग्रुप, व्हिच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. इन ऑप्शन में से हमें ऑड फाइंड करना है. क्लियर. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एफ यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है, एच यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहा है, ई यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है, सी यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है, डी यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है. तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑड लग रहा है, एच, जो कि नॉर्थ फेस कर रहा है और बाकी सब साउथ फेस कर रहे हैं. तो इस ऑप्शन में से कौन सा सही है, ऑप्शन बी. क्लियर. Hope you like this puzzle. Do like, comment if you have any doubt regarding this puzzle and share with your friends, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you friends for watching. Have a nice day.